इंडिया ने हाल ही में यूएन जनरल असेंबली के एक वोट में एब्सटेन किया है और कई लोगों की तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं कि भाई इंडिया की इसराइल पॉलिसी में बदलाव आया है आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की इसराइल की जो पॉलिसी है राइट right फ्रॉम 1948 जब इसराइल क्रिएट हुआ उसके बारे में चर्चा करूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारत की जो इसराइल की नीति है वो क्या थी क्या उसमें कोई बदलाव आया या नहीं आया इन सारे डिबेट्स के ऊपर कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी तो हम शुरुआत करते हैं 1948 से इसराइल का जन्म 1948 में हुआ जब इसराइल का जन्म 1948 में हुआ तो उस समय भारत ने एक चीज़ देखी हमने देखा कि भाई इसराइल एक इंटरनेशनल रियलिटी है एक कंट्री बन चुकी है अब ये कंट्री अगर यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल के तहत बनी है और यूनाइटेड नेशंस में मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने वोट करके इसराइल को क्रिएट किया है तो हम इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते निगेट नहीं कर सकते तो उस समय भारत ने सबसे पहली चीज़ ये करी कि रियलिटी को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करते हुए ये बात बोली कि हम इसराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्नीस में जब इसराइल का जन्म हुआ था तब बहुत से ऐसे देश थे खास करके मिडल ईस्ट में जो इसराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे तो भारत की नीति में ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि हमने इसराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया दूसरी सबसे बड़ी समस्या अब ये आई कि हम लोग उस समय एक चीज़ ये जानते थे कि हमें अरब कंट्रीज़ जो हैं और ख़ास करके वो कंट्रीज़ जो सऊदी अरेबिया से ले कर यूनाइटेड अरब एमरेट से ले कर ईरान से ले कर ये सब जो देश हैं हमें इन लोगों से तेल की आवश्यकता थी अब क्योंकि हम चाहते थे इन लोगों से तेल लेना तो हमें यह लग रहा था कि हमने इसराइल के एग्जिस्टेंस को तो एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना हो जाए जिसकी वजह से हमें तेल मिलने में प्रॉब्लम हो तो इस केस में हमने उस टाइम पे एक बड़ी पेक्यूलियर कह लीजिए या मैं कहूँगा कि बड़ी अजीब सी एक पॉलिसी अपनाई कि यूनाइटेड नेशंस के क्रिएटेड इसराइल का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अरब देशों को खुश रखने के लिए उन देशों से जिनसे हमें तेल की आवश्यकता थी उन देशों को जिन्होंने इसराइल का एग्जिस्टेंस ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था उनको खुश रखने के लिए हमने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं बनाए तो हमने उस समय 1950 में इसराइल को बोला कि भाई आपके यहूदी लोग जो ज्यूज हैं क्योंकि वो भारत में रहते हैं वेस्टर्न कोस्ट में हमारे मुंबई से लेके केरला तक के इलाके में बहुत सारे यहूदी लोग ज्यूस लोग जो हैं वो वहाँ पर रहते थे तो हमने एक सिंपल सी चीज़ ये बोली कि भाई आप एक कौनसुलेट बना लीजिए ताकि इस कौन्सुलेट के थ्रू आप जो भी बेसिक वीज़ाज़ वगैरह देने हैं यदि कोई आदमी को यहाँ से इसराइल जाना है या वहाँ से किसी को आना है तो उतना कार्य हो जाए तो ऑफिशियली हमने पूरे वर्ल्ड में 1950 में एक बड़ी यूनिक सी चीज़ करी और ये पूरे शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर तक 1990 तक ये नीति हमारी चली कि हमने इसराइल का एक कॉन्सुलेट रखा लेकिन एक एम्बेसी नहीं रखी और ये डिप्लोमैटिक प्रिंसिपल्स में थोड़ी अजीब इसलिए हो जाती है क्योंकि कभी भी अगर आप किसी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते अपनाते हैं तो आपका सबसे पहला कार्य होता है कि आप उस देश के साथ अपनी एम्बेसी बनाएं और प्रिंसिपल ये होता है डिप्लोमेसी में कि जब एम्बेसी बन जाए और एम्बेसी का वर्कलोड अगर ज़्यादा हो या कोई ऐसी आपकी कंट्री में लोकेशन हो जो एम्बेसी खुद डायरेक्टली केटर ना कर पाए तो एम्बेसी की एक ब्रांच खोली जाती है जिसको बोला जाता है कॉन्सुलेट तो कॉन्सुलेट एक्चुअल में आता है एम्बेसी के क्रिएशन के बाद लेकिन हमने पता नहीं यहाँ पर कौन सा एक उस समय नेहरू ने प्रिंसिपल अपनाया और वो प्रिंसिपल ये था कि हमने एम्बेसी नहीं खोली बल्कि हमने सीधा कौन्सुलेट खोल दिया और इवेंचुअली हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि 1990 में हमने कौन से लेट से फिर एक एम्बसी खोली तो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है तो 1950 में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट थी हमने ये कह दिया कि भाई हम एम्बसी आपके साथ नहीं रखेंगे आप एक कॉन्सुलेट आकर अगर खोलना चाहते हैं तो बॉम्बे में खोल लीजिए जिससे कि वो भी सिर्फ जो पर्सनस हैं जिनको ट्रैवल के लिए जाना है वो कार्य प्रगति में रहेगा इसके बियॉन्ड हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना उस समय हमारा सारा फोकस केवल ये था कि भाई हम जो है जो अरब देश हैं उनसे तेल लेते रहें उनको किसी तरीके से भी निराश ना करें उनके मन में कभी भी ऐसा प्रभाव ना आए कि भाई हम लोग जो हैं इसराइल के फेवर में खड़े हैं और ये बड़ी आयरोनिकल बात थी कि इसराइल ने हमारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ा था जो ज्यूज थे और यहूदी लोग थे अगर आप उनका इतिहास पढ़ें और भारत के साथ उस इतिहास को देखें तो पूरे विश्व स्तर पर जब प्राचीन काल में मध्य काल में जब भी एंशंट टाइम्स या मिडीवल टाइम्स में ज्यूज़ का परसिक्यूशन पूरे वर्ल्ड में हर जगह हुआ करता था लेकिन एक जगह जहाँ पर ज्यूज़ हमेशा से सेफ रहते थे वो थे इंडिया और क्योंकि इंडिया में कभी भी किसी जीव का परसिक्यूशन नहीं हुआ कभी भी किसी जी को हिस्टोरिकली टारगेट नहीं किया गया क्योंकि हम लोगों की एक फ़ितरत में ये नहीं था कि भाई हम किसी को भी आने वाले को तंग करें मारें ऐसे करें तो उस पॉइंट को भी हम लोगों ने ऐतिहासिक तौर पर लिवरेज ना करके एक अजीब सी परिस्थिति पैदा कर दी बट 1950 से 1990 तक आपको दो चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से याद रखनी है और वो पहली चीज़ जैसा मैंने आपको बताया कि हमने इसराइल के एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया पर इसराइल के ऑफिशियल एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं था कि हमने उसके बाद इसराइल को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दिया तो वो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन ना देने के कारण भारत ने उस समय इसराइल को सीधी सी बात सिर्फ ये बोल दी कि आप एक कॉन्सुलेट खोल लीजिए जबकि आइडियली मैंने आपको बताया कि एम्बसी पहले बनती है फिर कॉन्सुलेट आता है तो हमने कॉन्सुलेट पहले बना दिया और फिर हम देखेंगे शीत युद्ध खत्म के बवद्द हमने एम्बीसी बनाई तो ये नीति 1990 तक चली 1990 में भारत ने अपने रिश्तों को इंप्रोवाइज किया और 1992 में भारत ने 1992 में इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक्सटेंड किया अब सवाल ये उठता है कि शीत युद्ध खत्म हो गया था कोल्ड वॉर 1989 से 1990 तक खत्म हो गई थी उस खत्म होने के बाद जब हमने इजराइल को फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस दिए उस टाइम पे हमने इसराइल को सबसे पहले बोला कि अब आप आइए आकर अपने इस कॉन्सुलेट बॉम्बे में तो रखिए ही रखिए एक कॉन्सुलेट बैंगलोर में भी खोल लीजिए और दूसरी सबसे बड़ी बात सबसे इम्पोर्टेंटली दिल्ली में अपनी एम्बेसी बनाइए अब सवाल ये उठता है कि उस समय भारत की इस नीति में ये बदलाव के क्या क्या कोर ड्राइवर्स थे तो पहला कोर ड्राइवर ये था कि हम लोगों ने पूरे कोल्ड वॉर में जो अरब देश थे मिडिल ईस्ट के दूसरे मुस्लिम देश थे इन लोगों का रवैया इसराइल की तरफ देखा और उस समय हमने एक सबसे पहली चीज़ ये ऑब्जर्व करी कि नाइनटीन में ईजिप्ट ने इसराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करके उसके साथ एक पीस ट्रीटी साइन करी और इजिप्ट की ये पीस ट्रीटी को कैंप डेविड अकॉर्ड बोला जाता है तो 1978 में इजिप्ट पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे पहला देश ऐसा बना और पूरे मिडिल ईस्ट में पहली एक मुस्लिम कंट्री ऐसी बनी जिसने यहूदियों का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करके उसके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए और इजिप्ट एक ऐसा देश भी था जिसके साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही बहुत क्लोज रहे हैं तो एक चीज़ यहाँ पर हमने ये पॉइंट को देखा कि भाई अगर इजिप्ट जो कि मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है और एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है यदि वो अगर इसराइल के साथ पीस बना सकता है तो हमारे लिए भी एक ऑप्शन एग्जिस्ट करता है पहली बात लेकिन दूसरा ट्रिगर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो ये था कि नाइनटीन में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस हुई थी इस मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में जो स्पेन में हुई और स्पेन के थ्रू हुई उस समय बहुत सारे अरब देश वहाँ पर आए जिसमें सीरिया भी था उस समय टर्की भी था और जॉर्डन भी था और इन देशों ने आकर भी इसराइल से बातचीत करी मैड्रिड कॉन्फ्रेंस का खैर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट अचीवमेंट नहीं निकला लेकिन मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में फ़ेस टू फेस जब अरब देश इसराइल के साथ पहली बार बैठे तो हमें ये लगा कि भैया ये तो परिस्थितियां बदल रही हैं आज तक तो ये लोग एक दूसरे के साथ बैठने को भी तैयार नहीं थे और कम से कम अब बैठ के बातचीत तो कर रहे हैं और तो और 1994 में इसी के बाद जॉर्डन के बीच में और इसराइल के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई और जॉर्डन और इसराइल की जो पीस ट्रीटी थी इस पीस ट्रीटी के बाद जॉर्डन दूसरा देश बन गया इजिप्ट के बाद जो 1978 में था जिसने इसराइल के साथ पीस ट्रीटी एक्सेप्ट कर ली और इसी के बीच में 1991 से लेकर 1994 के बीच में 1993 में एक और बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इशू हुआ था और वो था कि इसराइल ने पेलस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पी जिसका लीडर यासिर अराफात था और जो 1964 में बनी थी 1964 में जब पी बनी थी जो बेसिकली चाहती थी कि पेलस्टीन के एरिया से इसराइल को लिबरेट करा दिया जाए 1993 में ये पेलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसके नाम में ही वर्ड लिबरेशन था जो चाहती थी कि इसराइल को एलिमिनेट करके लिबरेट कराएं इस एरिया को 1993 में ओस्लो में नॉर्वे में ओस्लो अकॉर्ड के तहत उसने भी इसराइल के साथ पीस पीटी साइन कर ली थी तो हमने ही जब ये सारे ड्राइवर्स को देखा तो हमें ये ड्राइवर देख के एक चीज समझ आ गई कि भैया अब हमें भी अपनी पोजीशन जो है प्रगमेटिकली बदलनी है इसी रीजन से कोल्ड वॉर के बाद जब हमने ये सारे ड्राइवर्स को फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करा तो इसके बेसिस पे हमने एक निर्णय लिया कि हम अपने रिलेशन इसराइल के साथ फुल डिप्लोमेसी वाले करेंगे और हमने एक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया अब उसके बाद इंडिया और इसराइल के बीच में बहुत सारे डायमेंशन में कोऑपरेशन चालू हुई सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन जो है वो है डिफेंस का डायमेंशन दूसरी जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है हाई टेक्नोलॉजी डायमेंशन तीसरा है एग्रीकल्चर चौथा है वाटर रिसोर्स और पांचवा है बॉर्डर मैनेजमेंट तो इन सारे इलाकों में हम लोगों ने इसराइल के साथ रिश्तों को एक्सप्लोर किया और जैसे ही हम लोगों ने रिश्तों को एक्सप्लोर किया दो में एक और महत्वपूर्ण अग्रीमेंट हुआ जो कि इसराइल और इंडिया के रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने की स्थिति रखता था और वो अग्रीमेंट दो में था डेली स्टेटमेंट ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 2003 का ये डेली स्टेटमेंट ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन अटल बिहारी वाजपेयी और एरियल शहरॉन जो उस समय वहाँ पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच में हुआ जब ये दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने डेली स्टेटमेंट ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन करी तो इसके तहत दोनों देशों ने ऑफिशियली इस बात को बोल दिया कि अब हम पोलिटिकल लेवल पर और बिजनेस लेवल पे अपनी विजिट्स को बायलैटरली बढ़ाएंगे तो डेली स्टेटमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने पहली बार इस चीज़ को स्पष्ट तरीके से लिखित तौर पर बोला कि दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल लेवल के रिश्ते बढ़ेंगे और 2003 में जब एरियल शेरॉन आए थे भारत तो उस समय हमने ये अग्रीमेंट साइन करके एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसराइल को दिखाया हमने बताया कि हम आपके साथ सीरियस हैं काम करने में अब 2004 से लेके 2014 तक इसराइल और भारत के बीच में ये जो 2003 में डेली स्टेटमेंट साइन हुआ था जिसमें पॉलिटिकल विजिट का एक पॉइंट था ये पॉलिटिकल विजिट का पॉइंट उस पूरे फेज़ में नहीं मटेरियलाइज करा क्यों क्योंकि उस समय हमारे को फ़ोकस फिर हमारा वापस चला गया हमारा फोकस यही था कि नहीं इसराइल के साथ ठीक है जो डिफेंस लेवल पर रिश्ते चल रहे हैं उनको चलने दो जो एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स बॉर्डर मैनेजमेंट हाई टेक्नोलॉजी इन सब डायमेंशन में चीज़ें हैं वो होने दो बट हमें कोई पोलिटिकल विजिट करने की आवश्यकता नहीं है चेंजेस फिर से हमारी पॉलिसी में देखने को मिले दो के बाद दो के बाद जो आज की डेट में हमारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स और फॉरेन पॉलिसी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया इसराइल की पॉलिसी 2014 के बाद एक ऐसी पॉलिसी है जिसको कहते हैं द पॉलिसी ऑफ फाइन बैलेंसिंग अच्छा अब ये पॉलिसी ऑफ फाइन बैलेंसिंग का मतलब क्या है इस पॉलिसी का मतलब ये है कि 2014 के बाद भारत ने ये बात स्पष्ट कर दी कि हम अपने रिश्ते इसराइल के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे देखेंगे और हम किसी चीज़ को कुछ छुपा के नहीं करेंगे जो चीज़ है इसराइल के साथ ओपनली होगी क्योंकि हमें किसी से अब कोई डर नहीं और हम ये चीज़ किसी के सामने छुपाना नहीं चाहते कि हम लोग जो हैं इसराइल के साथ इंगेज कर रहे हैं क्योंकि 2004 से 14 के पीरियड में जब हमने ये चीज़ को एक लो लेवल बर्नर पर डाल दिया था अब टाइम था कि उसको एक हाई ऑक्टेन पॉलिसी बनाकर मटीरियलाइज किया जाए तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई सबसे पहली चीज़ ये हुई कि हमने ये बोला कि जो इसराइल के साथ हमारे डिफेंस रिलेशन हैं जिनको अभी तक 2003 दिल्ली स्टेटमेंट से लेके अभी तक हम लोग कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं करते थे उसका डिस्कशन अब होगा हमने ये बोला कि भाई यदि हम किसी प्रकार का कोई डिफेंस इक्विपमेंट अगर इसराइल से ले रहे हैं और अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं तो उसमें हमें हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है हम अगर किसी इसराइल की कंपनी के साथ या इसराइल की सरकार के थ्रू कोई अग्रीमेंट साइन करके कोई डिफेंस प्रोडक्ट वहाँ से उठाकर यहाँ ला रहे हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि इसको छुपाया जाए हाँ उसकी माइक्रो डिटेलिंग करना और उसके प्राइसिंग के ऊपर चर्चा करना जो कई पोलिटिकल पार्टियाँ भारत में चाहती थी हों जिससे कि वो नेशनल सिक्योरिटी को और हार्म करवा पाएँ तो वो चीज़ पर हमने पाबंदी लगाई नेशनल सिक्योरिटी के क्लॉज के तहत हर बार ये बात बोली कि हाँ अग्रीमेंट है यह चीज खरीदी गई है लेकिन इसके और और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की चर्चा पब्लिक डोमेन में आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे एडवर्सरी एनिमी को फ़ायदा हो सकता है तो यह चीज सबसे पहली एक बदलाव आई दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज थी कि दो दिल्ली स्टेटमेंट ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन में जो बोला गया था कि पोलिटिकल विजिट्स होंगी जो दो से चौदह तक बिल्कुल लो ऑक्टेन रही अब उसको हाई ऑक्टेन लेवल लेवल पे अपन लोग लेकर आए अच्छा अब क्या क्या न्यूनेस एलिमेंट्स दिखे देखो 2004 में जब नई सरकार आई तो जुलाई में उस समय 2014 में इसराइल ने गाजा स्ट्रिप में हमास के ऊपर एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज अब जब ये ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज हुआ जिसमें इसराइल ने हमास के ऊपर फायरिंग करी हमास के लोगों को डिस्ट्रॉय किया क्योंकि हमास के लोग टेररिज्म कर रहे थे इसराइल के ऊपर तो उस समय हमारे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और बाकी लेफ्टिस्ट पार्टियां जो हैं इन लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट में हंगामा मचाया कि भैया पार्लियामेंट में इस मसले पे डिबेट हो और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि भारत की पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करे कि भाई हम इस इसराइल के हमास के वायलेंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम इस वायलेंस को निगेट करना चाहते हैं अब उस समय भारत की जो विदेश मंत्री थी वो थी सुषमा स्वराज सुषमा स्वराज ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह बोली उन्होंने ये बात कहा कि भाई देखिए इसराइल एक हमारा फ्रेंडली नेशन है अगर वो एक टेररिज्म की किसी पॉइंट से विक्टिम बना हुआ है और उस केस में उसने हमास के ऊपर कोई आक्रमण करके एक टेररिस्ट संगठन के ऊपर कुछ ऑपरेशन चलाए हैं तो हम अपने फ्रेंडली स्टेट के साथ रिश्ते खराब नहीं करेंगे लेकिन उस समय राम येचूरी और बाकी जो पार्लियामेंट में लेफ्टेस्ट लीडर थे उन्होंने तो इस लेवल का हंगामा मचाया और आज की डेट में अगर आप जुलाई 2014 के पार्लियामेंट के डिबेट्स को खोल के देखें जो आपको संसद टीवी के वेबसाइट पे मिल भी जाएंगे तो वहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि वो तो ये कहने लग गए कि नहीं आप रेजोल्यूशन पास कीजिए ये कह के कि हम इसराइल का कंडमनेशन करते हैं तो इस पॉइंट पे सुषमा स्वराज जी जो उस समय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी उन्होंने एक बड़ी साधारण सी चीज़ बोली उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज जो इसराइल ने अभी किया आप उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कराना चाहते हैं और खिलाफ उसके पास करवाना चाहते हैं लेकिन जब आप लोग सरकार के हिस्से थे और सरकार में जब आप बैठे थे तो 2008 में भी इजराइल ने हमास के ऊपर ऑपरेशन कास्ट लीड किया था 2012 में भी जब आप सरकार में बैठे थे तो उस समय ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस किया था उस दोनों ऑपरेशंस कास्ट लीड और पिलर ऑफ डिफेंस के दौरान आपने यह रेजोल्यूशन तब पास क्यों नहीं करवाया तब पार्लियामेंट ने ये कंडमनेशन के रेजोल्यूशन इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं करवाए ये सारी हिपोक्रेसी अभी क्यों ये उस समय की क्यों नहीं तो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमने बोली और हमारा मैसेज इस पूरे डिबेट को लेके सिंपल था कि देखिए अगर इसराइल कोई कार्रवाई कर रहा है टेररिज्म के ऊपर तो वो टेररिज्म के ऊपर कार्रवाई करने के लिए राइट है और हम अपने फ्रेंडली रिलेशन जो इसराइल के साथ हैं उसको खराब नहीं करेंगे इस कान में कोई अल्टीरियर पॉलिटिकल गेन को लेके और तो और मैंने जैसा आपको बताया कि 2003 वाला जो अग्रीमेंट था दिल्ली स्टेटमेंट ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जिसमें पॉलिटिकल विजिट्स पे इम्फोसाइज किया गया था इसको हमने 2014 के बाद फाइनली एग्जीक्यूट करना चालू करा वो कैसे करा 2015 में मई के महीने में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सबसे पहले इसराइल गई उन्होंने इसराइल के साथ जाकर एक बायलैटरल मीटिंग करी इसके बाद 2015 के ही अक्टूबर के महीने में भारत के राष्ट्रपति उस समय प्रणब मुखर्जी जो थे वो भी इसराइल के दौरे पे गए अब जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर चली गई और भारत के राष्ट्रपति चले गए तो नेक्स्ट स्टेप पॉलिटिकल विजिट में यही बचा था कि अब प्रधानमंत्री को जाना चाहिए तो 2017 में इवेंचुअली भारत के प्रधानमंत्री ने पहली विजिट इसराइल को करी तो इससे एक चीज़ ये प्रूव हो गई कि दो दो का अग्रीमेंट था दिल्ली स्टेटमेंट ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन उसका ट्रू इम्प्लीमेंटेशन 2017 में फाइनली देखने को मिला जब हमारे प्राइम मिनिस्टर और उससे पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और साथ ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों हो आए थे 2017 में जब ये विजिट हुई तो उस विजिट के दौरान सबसे पहली चीज़ जो भारत ने करी वो ये कहा कि भाई इसराइल और इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं और स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तहत हमने ये बात बोली कि हम दोनों के बीच में कुछ कॉमन वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हम लोग स्पष्ट क्लियर कोऑपरेशन करना चाहते हैं और हम लोग स्पेसिफिक डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करके अपने रिश्ते डीपन करना चाहते हैं मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर ऑल ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यदि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आपको वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं पता है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी तो दो में हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी इसराइल के साथ इसके साथ साथ एक थ्री ईयर वर्किंग प्लान साइन करा एग्रीकल्चर कोऑपरेशन के लिए दूसरा हमने इसराइल को ये बात बोली कि आप

एक एक्सटेंशन पार्ट बना था आत्मनिर्भर भारत तो 2017 में, जो 2017 में उस समय ने बोला कि दो सेक्टर्स हम आइडेंटिफाई करके आपको बता रहे हैं जहां पर हम आपके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेंगे जिसमें पहला था साइबर स्पेस और दूसरा बेसिकली था सोशल मीडिया इसके बाद यह हुआ कि दो में 2017 की इसराइल की विजिट के बाद 2018 में जो है प्रधानमंत्री एक स्टैंड अलोन विजिट के लिए रमल्ला गए रमल्ला जो है वो बेसिकली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का और वेस्ट बैंक टेरिटरी का यानी कि पैलेस्टीनियन स्टेट का कैपिटल है तो उस समय जब उन्होंने जाकर रमल्ला में मीटिंग करी तो रमल्ला की मीटिंग क्योंकि वो स्टैंड अलोन थी एक बदलाव देखने को मिला और हम कहते हैं इस पॉलिसी को डी हाइफनेशन बिटवीन इसराइल एंड इंडिया इसके बारे में मैं चंद मिनटों में दोबारा पे आऊँगा और इसके बारे में दोबारा से चर्चा करूँगा पर मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले डिफेंस के बारे में अब जब हमने डिफेंस के बारे में बात करी तो हमने इसराइल और इंडिया के बीच में एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस बनाया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस बनाने से दोनों देशों के बीच में एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार हो गया इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत अब हमने इसराइल को अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई इसराइल ने हमारे साथ आकर हमारी डिफेंस सेक्टर को देख के समझ के बोला कि इंडिया आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है कि आप सबसे पहले पाकिस्तान और चाइना को टैकल करने के लिए अपना सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कीजिए तो इसराइल और इंडिया के बीच में स इंफ्रास्ट्रक्चर एट द मिलिट्री लेवल के बीच में कोऑपरेशन चालू हुई हमने सर्चर यू, जो यू हैं सबसे पहले तो वो इनके साथ खरीदने शुरू करे इसके साथ साथ सुपर वोरा पेट्रोल बोट्स हमने इसराइल से ली फैलकॉन एयरबोन वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसराइल ने हमें प्रोवाइड किया आज की डेट में हेरॉन यू जो हैं वो भी इसराइल हमें देता है इसके साथ साथ इसराइल से हम लोग एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ खरीदते हैं जो कि चालीस मिलियन डॉलर का एक पीस है और उसका नाम है हेरॉन टर्बोप्रोपेलेंट अनमैंड कॉम्बैट एरियल सिस्टम ये जो हेरॉन टर्बोप्रॉप सिस्टम है जिसको कॉम्बैट एरियल सिस्टम बोलते हैं ये एक बड़ी यूनिक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है जो इसराइल ने खुद इनोवेट करके बनाई है ये एक ऐसा एरियल व्हीकल है जिसका इंड्योरेंस टाइम यानी कि उड़ने का टाइम है लगभग तीस घंटे नॉन और साथ में इसके अंदर आप लीथल पेलोड्स भी लगा सकते हैं और इसके थ्रू सर्वेलेंस भी कर सकते हैं और तो और हम लोगों ने 10 पीस हेरॉन के टर्बो टर्बोप्रॉप यूसीएस अनमेंड कॉम्बेटेरियल सिस्टम खरीदे हैं इसराइल से चालीस मिलियन डॉलर का एक पीस चार सौ मिलियन डॉलर की यह डील थी इसके साथ साथ हम लोगों ने आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन्स जो हैं खास करके लेजर गन्स ये इज़राइल से खरीदी हैं और हमने इसराइल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डिफेंस लेवल पे ली है सर्वेलेंस लेवल पे फिर से जिसका नाम है मोशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स इन मोशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स को हमने जो है चाइना की बाउंड्री के पास प्लेस किया हुआ है जिससे कि चाइना की आर्मी के इंट्रोजन को हम समझ सकते हैं और उनको एनालाइज करके एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉर के तहत एक गेम प्लान बनाकर देख सकते हैं कि, कि किस तरीके से चाइनीज मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो सकती हैं और तो और हिंदुस्तान लिमिटेड जो भारत की है उसने एक इसराइली कंपनी एल्बिट के साथ एक जॉइंट वेंचर करके हेल्बिट नाम का हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड प्लस एल्बिट इज इक्वल टू हेल्बिट नाम का एक जॉइंट वेंचर बनाया है जिसमें दोनों देश मेंटेनेंस ऑफ एवियोनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर काम करते हैं लेकिन अब आपको मैं एक बड़ी दिलचस्प चीज़ ये बताता हूँ जो डिफेंस रिलेशन में बड़ा यूनिक है इंडिया इसराइल के बीच में और ये शायद आपने नहीं सुना होगा कि भारत सिर्फ इसराइल से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता नहीं बल्कि हम डिफेंस इक्विपमेंट भारत से एक्सपोर्ट भी करते हैं इसराइल को और एक्सपोर्ट्स में इसराइल को हमने दिए हैं ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और साथ में लक्ष्य पाइलेटलैस एयरक्राफ्ट्स इसके साथ साथ इसराइल और इंडिया के बीच में जिसमें इंडिया जो इसराइल को एक्सपोर्ट कर रही है एक कोवर्ट लेवल का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एच एस क्लासिफिकेशन कोड नाइन्टी थ्री एच एस क्लासिफिकेशन कोड नाइन्टी थ्री के तहत भारत आज की डेट में इसराइल को एमोनिशन एक्सपोर्ट करती है और एच एस क्लासिफिकेशन कोड नाइन्टी थ्री के अंदर दो ऐसी निजी कंपनियां हैं भारत में जो एमोनीशन बना यानी कि असला बनाकर इसराइल की मोसाद को सप्लाई करती है इसमें से सबसे पहली कंपनी जो है इंडिया की उसका नाम है टॉनबो इमेजिंग और दूसरी कंपनी जो है वो है अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ये दो कंपनियां हैं जो मोसाद के साथ डायरेक्ट लेवल पे एक रिश्ता रखती हैं और उसको वेपन सप्लाई करती हैं और तो और अब अगर मैं आपको पैलेस्टीन की बात बताऊँ तो मैंने जैसा आपको बोला था कि भाई 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने पहले इसराइल की विजिट करी उसके बाद फिर हम लोग पैलेस्टीन गए ये चीज़ पहले नहीं हुआ करती थी पहले क्या होता था कि यदि भारत से कोई भी बंदा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहली बार भारत से दो में गए उससे पहले कोई भारत का प्रधानमंत्री कभी इज़राइल गया ही नहीं था तो हम लोग किसी भी अगर व्यक्ति को भेजते थे कोई कैबिनेट मिनिस्टर जा रहा है या कोई मान लीजिए कि सीनियर कैबिनेट से कोई कलीग जा रहा है या कोई मान लीजिए विदेश मंत्री ही भारत से अगर इसराइल जा रहा है तो विजिट पहले कैसे होती थी कि भाई हम पहले पैलेस्टीन जाते थे पैलेस्टीन से फिर उसके बाद वहीं से जहाज लेकर इसराइल जाते थे तो उस समय जो ये पॉलिसी होती थी कि जिसमें हम पैलेस्टीन से इसराइल जाते थे इस पॉलिसी को कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में हाइफन नेशन कि इंडिया हैड हाइफनेटेड नेटेड इसराइल पैलेस्टीन हाइफ़न होता है इंग्लिश में उसी से आता है यह शब्द हाइफ़नेशन हाइफ़नेशन का मतलब होता है कि आप एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री एंगेज करती है तो वो दूसरी कंट्री के एंगेजमेंट से उसका इंपैक्ट तीसरे पे देखती है यानी कि यदि अगर हम अपना इंगेजमेंट इसराइल से करेंगे तो उसका इंपैक्ट पैलेस्टीन पे क्या होगा हम उसको देखेंगे पहले और पैलेस्टीन पे कोई गलत इंपैक्ट ना हो उसको इंश्योर करने के लिए हम ये करेंगे कि हम पहले पेलेस्टीन जाएंगे फिर वहां से इसराइल जाएंगे तो ये हाइफोनेशन की जो पूरी पॉलिसी दो तक चल रही थी दो में इसको फाइनली तोड़ दिया गया क्योंकि दो में भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली से फ्लाइट लेके सीधा और नहीं गए वो पहले

कि 2014 में जब ये नई सरकार आई थी तो उस समय इस नई सरकार के सामने एक और पॉलिसी प्रॉब्लम आई और वो पॉलिसी प्रॉब्लम आई एक मल्टी लेटरल प्लेटफॉर्म पर वो मल्टी लेटरल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशंस का जहां पर इंडिया की इसराइल पेलेस्टीन पॉलिसी के ऊपर बहुत सारे टेस्ट रखे जाते हैं अब 2014 में क्या हुआ क्योंकि जब ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज इसराइल ने किया था जिसके बारे में अभी मैंने आपको वीडियो में बताया स्टार्टिंग में तो दो में इस ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के ऊपर यू जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसने बेसिकली एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई इसने कहा कि भाई हम कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाकर ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में इसराइल के रोल को एनालाइज करेंगे कि उसने ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं भारत ने उस समय इस यू के रेजोल्यूशन को कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाए हमने इस रेजोल्यूशन के वोटिंग के दौरान एब्सटेंड कर दिया अच्छा इसी के बाद 2015 में क्या हुआ कि भाई एक और यूनाइटेड नेशंस लेवल पर एक वोट आया अब उस वोट में दोबारा से यूनाइटेड नेशंस लेवल जो मल्टी लेटरल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भारत की जो नीति है इसराइल पैलेस्टीन की फिर से टेस्ट की गई अब वो रेजोल्यूशन ये था कि क्या पैलेस्टीनियन लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है या नहीं इस रेजोल्यूशन में भारत ने इसके फेवर में वोट करा फर्क देखिए 2014 का ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी के केस में हमने यूएनएचआरसी के रेजोल्यूशन के वोटिंग के दौरान एब्सटेंड किया लेकिन 2015 में पैलेस्टीन का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए हमने वोट फेवर में किया तो ये पहली बात तो ये प्रूव करता है कि जो ये जनरल नैरेटिव एक स्पेसिफिक वर्ग भारत में चला रहा है कि भाई मोदी सरकार पैलस्टीनियों का सपोर्ट नहीं करती है एंटी मुस्लिम है फलाना दिखाना यह सब झूठ है क्योंकि अगर आप डिप्लोमेटिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और एग्जाम्पल देता हूँ आपको दो में इसराइल ने फिर से हमास के ऊपर गाजा स्ट्रिप में एक ऑपरेशन किया जिसका नाम था बेसिकली ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वॉल्स अब इस ऑपरेशन गार्डियन ऑफ वॉल्स में उस समय क्या हुआ कि जब इसराइल ने हमास के ऊपर ऑपरेशन किए तो यू में फिर से ये वोट हुआ कि भाई इसराइल ने ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाए इंडिया ने फिर से एब्सटेन कर दिया इंडिया ने कहा हम नहीं करेंगे ये टेररिस्ट संगठन है जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है इसराइल की तरफ से हम क्यों सपोर्ट करें कि भाई इसराइल जो है टेररिस्ट संगठन पर कार्रवाई नहीं करेगा और तो और 2021 में जब हम इस रेजोल्यूशन को एब्सटेन करके आए थे उसी के दो महीने के बाद क्या हुआ कि इसराइल ने इलीगल सेटलमेंट्स जो हैं वो बनाने चालू कर दिए थे पेलेस्टीन के इलाके में हमने उस समय अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से एक स्टेटमेंट दिलवा दिया और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टेटमेंट ने 2021 में बोला कि ये जो इसराइल के इल्लीगल सेटलमेंट्स बन रहे हैं ये स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं टू स्टेट सोल्यूशन के तो इसको भी रोकने की आवश्यकता है अब हमने यहां पर इसके पॉजिटिव में बोला और तो और देखिए 2023 में क्या हुआ कि 2023 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अभी हाल ही में जो चार दिन पहले की बात है कि वहां पर एक और वोटिंग हुई वो वोटिंग क्या थी वो वोटिंग ये थी कि भाई इसराइल और हमास के बीच में एक ट्रूस होना चाहिए अब इंडिया ने इस इसराइल हमास के ट्रूस और ह्यूमैनिटेरियन एड वाले इस प्रपोजल में फिर से एब्सटेन किया चार दिन पहले हमने अभी एब्सटेन किया अब सवाल ये उठ रहा है कि हमने एब्सटेन क्यों किया हमने इसलिए सिंपल तरीके से किया क्योंकि यहां पर बात हो रही है इसराइल और हमास के बीच में ट्रूस करवाने की पीस बनवाने की एड देने की हमने यह बात बोली कि भैया इस रेजोल्यूशन में यह बात क्यों नहीं लिखी गई है कि हमास ने आतंकवादी हरकत इसराइल के ऊपर की है हमने यह बात बोली कि भैया इस आप यू में रेजोल्यूशन लेके आ रहे हो जॉर्डन लेके आई है और जॉर्डन बोल रहा है कि इसराइल और हमास के बीच में ट्रूस करवा दीजिए हमने कहा कि भैया ट्रूस की बात पहले नहीं होगी पहले बात यह होगी कि आप इस रेजोल्यूशन में ये लिखिए कि जो हमास ने टेररिस्ट एक्टिविटी करी वो गलत है आपने हमास का टेररिस्ट एक्टिविटी का कंडेमनेशन ही नहीं किया यानी कि आप एक तरीके से इस रेजोल्यूशन में ये कहना चाह रहे हैं कि हमास ने जो किया वो ठीक है अब जो लड़ाई चल रही है उसको तुरंत रोका जाए तो हमने ये चीज़ बोली अच्छा अब वही है कि एक वर्ग है यहाँ पर मीडिया का पूरा इस समय बैठा हुआ जैसे ही हमने इस वोट को एब्सटेन किया वो स्पेसिफिक वर्ग बावला हो गया वो बावला इसलिए हो गया कि देखो ये तो गलत है हमें हमास का साथ लेना चाहिए था हमें गाजा का साथ लेना चाहिए था गाज़ा में लोग मर रहे हैं क्यों इसराइल में लोग नहीं मरे इसराइल के जो लोग बंधक हैं वो क्या है? मतलब लोग नहीं है वो इंसान नहीं है सारे लोग जो हैं वो सिर्फ गाजा स्ट्रिप में रहने वाले ही हैं सारे लोग वही हैं जो सिर्फ हमास के सपोर्टर हैं तो हमने ये रीज़न देकर इस पॉइंट को फिर से पॉइंट आउट किया तो अगर मैंने जितने आपको ये उदाहरण दिए इससे अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी तो मैं वीडियो को इस अंत के दौरान आपको ये पॉइंट्स को रैपअप करवा के एक सिंपल सी चीज बोलना चाहता हूं भारत की नीति बिल्कुल क्लियर है भारत आज की डेट में इसराइल पैलेस्टीन के बीच में टू स्टेट सोल्यूशन चाहता है हमने कभी भी टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर कोई नीति में बदलाव नहीं किया दूसरी सबसे बड़ी बात हमने हमेशा से सपोर्ट किया है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और फाता को हम लोगों ने 2014 से लेके और उससे पहले भी और आज तक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल सपोर्ट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और फाता को वेस्ट बैंक में देते आए हैं देते रहेंगे और आगे भी दिया जाएगा ये बदलेगा नहीं तीसरी चीज हम सपोर्ट हमास का नहीं करते हमास एक आतंकवादी संगठन है और यदि एक आतंकवादी संगठन के ऊपर अगर इसराइल कोई कार्रवाई कर रहा है तो इसराइल के ऊपर राइट है क्योंकि कल को अगर मान लीजिए भारत लश्कर तैयबा के ऊपर किसी प्रकार का या जैश ए मोहम्मद के ऊपर कोई कार्रवाई करे पाकिस्तान के अंदर घुस के तो क्या आप उस समय ये कहेंगे यही ट्रूस लेके कि नहीं नहीं देखिए जो लश्कर ने भारत के अंदर आगे पाँच लोग मार दिए वो ठीक है लेकिन पाकिस्तान के साथ आप ट्रूस कर लो तो ये जो वर्ग है ना इसका थॉट प्रोसेस यही है इस चीज़ को ध्यान से समझिए और आखिर में हमने जो बदलाव किया है 2014 से वो बदलाव बहुत सिंपल है कि हमने इसराइल और पैलेस्टीन को कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है हमने कहा इसराइल अलग है बस पैलेस्टीन अलग है हम पैलेस्टीन का सपोर्ट करते आए हैं करते रहेंगे टू स्टेट सोल्यूशन हम फेवर करते हैं पैलेस्टीन अथॉरिटी की डेवलपमेंट को हम फेवर करते हैं उनसे पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी करेंगे 2018 में पेलस्टीनियन अथॉरिटी में रमल्ला में जाकर हम लोग वहाँ पर मिले भी हैं उनके लीडर से तो हम लोग टू स्टेट सोल्यूशन के खिलाफ नहीं है हम लोग पैलेस्टीन के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है हम लोग पेलेस्टीनियंस के खिलाफ नहीं हैं हम लोग अगर किसी के खिलाफ हैं तो वो हमास के हैं और 2023 का ये जो रेजोल्यूशन हमने रिजेक्ट किया इसका रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया वो यही था कि इस इस पूरे यू के प्रपोजल में ये बात बोली जा रही है कि इसराइल और हमास का ट्रूस करा दीजिए लेकिन इसराइल और हमास के ट्रूस से पहले भारत ने बोला कि आप ये चीज़ लिखिए कि भैया हमास ने जो किया वो एक टेररिस्ट एक्ट है आप हमास को कैसे क्लीन यहां पर प्रूव कर रहे हैं तो ये रीज़न अगर आप समझ गए और ये जो वीडियो में मैंने आपको पॉइंट्स बताए तो अब आपको इसराइल और इंडिया की नीति को देखने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी एंड आई एम श्योर कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे धन्यवाद